तो ये जो नया नोटिफिकेशन है ये उत्तराखंड के है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर सूचित कर देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का माइंड इंटरेस्ट टेस्ट जिस जो चार स्टेट यूनिवर्सिटियों का पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ हो गया है। तो अगर पीएचडी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए यहाँ पे आई बटन में, और उसका पूरा डिटेल्स या और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स मिलेगा, वहाँ से देख लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूँ। जैसे मैंने फ़िलहाल में कई यूनिवर्सिटियों के पीएचडी के नोटिफिकेशन पर मैंने फुल टाइम वीडियो बनाया है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहेगा यहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्थान है, मैं इस पर पीएचडी के से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो अगर पीएचडी आपका अगर करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें जरूर और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं न्यू नोटिफिकेशन पे और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। तो देखिए, वादे के मुताबिक मैं एक नया नोटिफिकेशन आपके पास लेकर आ गया हूँ। ये जो नया नोटिफिकेशन है ये है पीएचडी से रिलेटेड है, वो भी विद फेलोशिप के साथ है। तो इसमें क्या है, नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि आपको उत्तराखंड से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और इसमें है कि इस न्यूज में है कि 5 राज्यों में 5 विश्वविद्यालयों के 100 शोधार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति, दिशा निर्देश जारी। यानी कि उत्तराखंड के जो 5 जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड स्टेट यूनिवर्सिटी 5 जो, उसमें आपको 100 स्टूडेंट को चयनित किया जाएगा, उनको फेलोशिप दिया जाएगा। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है और कितना फेलोशिप मिलेगा उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये अमर उजाला का न्यूज है और ये देहरादून से प्रकाशित हुआ है यहाँ पे, और लिखा है कि छात्रवृत्ति के लिए चयनित शोधार्थियों को उसके शोध ग्रंथ जमा करने की तिथि या अंतिम 3 वर्ष तक जो पहले हो, प्रतिमाह 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी यहाँ पे। तो ये है, छात्रवृत्ति दिया जाएगा। और ये देखिए, ये जो छात्रवृत्ति है, राज्य के 5 विश्वविद्यालयों में पीएचडी कर रहे शोधार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। शासन के इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, निर्देश जारी कर दिए गए हैं, सभी विश्वविद्यालयों को 5,000 रुपया दिया जाए। अब ये जो खबरें आई हैं आपको देख सकते हैं यहाँ पे, सचिव उच्च शिक्षा जो है शैलेश बगौली बगौली की ओर से जारी आदेश के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में पीएचडी कर रहे शोधार्थियों को चयन यूजीसी सीएसआईआर नेट परीक्षा के में के प्राप्त अंकों और रैंक के आधार पर विश्वविद्यालय करेगा। नेट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र न मिलने पर पंजीकृत शोधार्थी को यूसेट के प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। राज्य विश्वविद्यालय परिसर या संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों में नियमित पीएचडी में पंजीकृत शोधार्थियों को यह लाभ मिलेगा। तो समझ गए, आपके पास ये नेट होना चाहिए। अगर नेट वाले नहीं मिलेंगे तो जो जो कंबाइंड टेस्ट होता है उत्तराखंड का, यू सेट जिसे बोलते हैं, उसके प्राप्त अंकों को देखा जाएगा, उसके आधार पर यहाँ पे 100 लोगों को फेलोशिप दिया जाएगा। तो ये छात्रवृत्ति के लिए 100 शोधार्थियों का विभिन्न स्तर से चयन होने के बाद शोधार्थी की सूची जो है तैयार निदेशालय को भेजी जाएगी। छात्रवृत्ति के लिए चयनित शोधार्थियों को उसके शोध ग्रंथ जमा करने की तिथि अधिकतम 3 वर्ष तक, जो पहले प्रतिमाह 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति जो चयनित शोधार्थियों के लिए कार्य की गुणवत्ता एवं मॉनिटरिंग के बाद अगले वर्ष के लिए दी जाएगी, यानी एक्सटेंशन किया जाएगा। अगर काम सही से कर रहा है, रिसर्च वर्क सही से चल रहा है, तो एक एक साल के बाद एक्सटेंशन दिया जाएगा। और आगे है न्यूज़ में, देख लीजिए यहाँ पे कि किसी भी शोधार्थियों को एक से अधिक छात्रवृत्ति देनी ही होगी, यानी कि एक से ज़्यादा आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा। जैसे कि आपको JRF मिल रहा है तो आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगा। अदर्स जैसे CSIR से मिल रहा है फेलोशिप आपका, या आपके अदर्स कोई फेलोशिप है तो आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेंगे। ये क्लियर यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी शोधार्थियों को जो है एक से अधिक छात्रवृत्ति दे नहीं होगी। शोधार्थी किसी सरकारी, गैर सरकारी या सेवा व्यवसाय में नहीं होगा। संस्था या नियमित पीएचडी शोधार्थी के रूप में विश्वविद्यालय परिसर या महाविद्यालय में उपस्थित दर्ज करानी होगी। प्रत्येक शोध का आउटकम इवोल्यूशन ऑडिट सहित, इसको इवोल्यूशन भी किया जाएगा, इसको प्रत्येक शोध को मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो देना होगा तो देना होगा। अब किन किन विश्वविद्यालय में, स्टेट उत्तराखंड के विश्वविद्यालय में कितने
मिलेंगे उसका नंबर बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर है इसमें आगे है यहाँ पे कि किसी किस विश्वविद्यालय में कितने शोधार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। तो देख लीजिए कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में, उसमें 26 स्टूडेंट को मिलेंगे। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय है उस अल्मोड़ा में, उससे 26 मिलेंगे। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी में है, उसको 26 मिलेंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में है, यहाँ पे 12 लोगों को मिलेंगे। अदून विश्वविद्यालय देहरादून में 10 लोगों को मिलेंगे। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छा पहल है। ये इस तरह का कोई स्टेट यूनिवर्सिटी शुरू नहीं किया है, हालांकि ये बहुत अच्छी पहल है कि स्टेट यूनिवर्सिटी भी फेलोशिप देने लगा है, वो भी अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। तो ये अच्छी पहल है, हो सकता है कि आज सही है तो 1,000 भी हो सकते हैं, या कम से कम हर यूनिवर्सिटी में 600 लोगों को मिलने लगेगा। ये शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, और इसको इस जो इनिशिएटिव है इसको कंटिन्यू करना चाहिए स्टेट को, स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर है। तो देखिए यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इससे यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो, कि इस जो उत्तराखंड जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है PhD का एडमिशन, वो भी जारी हो गया है। तो उसका भी नोटिफिकेशन आप जाके देख सकते हैं, आपको बॉक्स में मिल जाएगा पीछे, वहाँ पर से जाके आप देख सकते हैं। तो ये रहा PhD से रिलेटेड अपडेट, इस तरह के अपडेट के लिए आप देखते रहिए यूनिवर्सिटी न्यूज़।